ये है हरियाणा के हिसार जिले में गुराना गांव स्थित आर्यवर्त गौ संस्थान। इस गौ संस्थान की पहचान गुणवत्ता के आधार पर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में होती है। ये एक ऐसा गौ संस्थान है जो न सिर्फ गायों की सेवा करता है बल्कि आस्था का केंद्र भी है। संस्थान के पास सीमित संसाधन है लेकिन बावजूद इसके गायों के प्रति समर्पण और निष्ठा वाकई हर किसी को हैरान करने वाली है। ये प्योर हरियाणा ब्रीड है जी, इसका मिल्किंग का रिकॉर्ड 18 किलो 300 ग्राम पंजाब मुक्सर मेले में फर्स्ट प्राइज आया है और 2 इनाम इसने ब्यूटी के जीते हुए। ये सेट मल्ले नस्ल सुधार जितनी भी बच्ची हैं साहिवाल की, जिनकी माँ का दूध का रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हीं मल्ले बच्चियों को तैयार करा है। गौओं के लिए हर साइड में पानी के टैंक बनाए हुए हैं, साइड वाले जो खाली हैं इसके अंदर भी टैंक बनाए हुए हैं। सवेरे भरवाते हैं इनको, दोपहर को भरवाते हैं, शाम को भरवाते हैं, जिससे कि गौओं के लिए पानी की कोई मतलब कमी नहीं रहने देते। दूसरा, हम अपने सामने लेबर से इनका वो हरा चारा सब मिलवाते हैं, चून आटा वगैरह अच्छी तरह से मिलवाते हैं और बड़े ढंग से इनका पालन पोषण करवा रहे हैं। आर्यवर्त गौ संस्थान की स्थापना फरवरी 2011 में हुई थी। संस्थान के पास करीब 53.3 कनाल जमीन है। इसके अतिरिक्त गौचरण के लिए साथ लगते कई गांवों ने भी अपनी जमीन गौ संस्थान को लीज पर दी है। संस्थान में इस वक्त करीब 1850 गोधन हैं। इनमें से 350 नंदी हैं, जबकि करीब 350 ही बूढ़ी गाय व 300 के करीब लंगड़ी व बीमार गाय हैं। 400 गायें स्वस्थ भी हैं, जिनमें से करीब 20 गायें दूध भी देती हैं। कई गायें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल अंधी हैं, उन्हें खास सेवा की जरूरत भी रहती है। वहीं बछड़े व बछड़ियां भी गौशाला में अपनी खास पहचान रखते हैं। गौ सेवा आयोग ने भी कुछ उपकरण इस संस्थान को सब्सिडी पर मुहैया करवाए हैं, जिनसे दिनचर्या के कार्य करने में आसानी रहती है। आर्यवर्त गौ संस्थान में इस वक्त 40 के करीब श्रमिक कार्य करते हैं। यहाँ गायों के लिए 6 शेड भी हैं तथा खास बात ये है कि बेहतरीन नक्शे के साथ बनाए गए इन प्रत्येक शेड के साथ ही खुला स्थान भी छोड़ा गया है, जहां गायें अपनी मर्जी के साथ धूप व छांव का आनंद ले पाती हैं। ये बिल्डिंग हमने डॉक्टर के रहने के लिए बनाई है, ऊपर उसकी फैमिली रहने के लिए बनाया था। कॉल का डॉक्टर आता है, वो यहां आके बैठता है। संस्थान में तूड़ी के 2 बड़े गोदाम हैं, जिनमें साल भर का राशन जमा रहता है। चूंकि गौ संस्थान के पास अपना बड़ा बजट नहीं है, लिहाजा ग्रामीणों का सहयोग उनकी मदद करता है और ग्रामीणों के इसी सहयोग से यहाँ गायों की सेवा संभव होती है। हालांकि कई मौकों पर सरकार ने यहाँ ग्रांट भी दी है, लेकिन उससे पूरी तरह भरपाई अभी तक संभव नहीं हो पाई है। इस वक्त मेरे साथ हैं गौशाला के सचिव कृष्ण बुरा। कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे गौशाला में और क्या क्या कार्य होते हैं और कितनी गायें हैं? गौशाला में लगभग 1800-2000 के करीब गायें हैं, जिसमें से 300-350 गाय लगड़ी लुली है, 250-300 गाय बूढ़ी है और 300-350 नंदी है और 400-450 गाय स्वस्थ है, 50 गाय दूध वाली है। गौशाला की अपनी निजी भूमि बहुत कम है। गौशाला का सारा कार्य ग्रामीणों के सहयोग से चलता है। कभी कभार सरकार के कोई उत्सव के दौरान थोड़ा बहुत सरकार से भी इमदाद मिलती है। हमारी गौशाला में और गायें बढ़ने की, गोधन और बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। सरकार से, दानवीर सज्जनों से, साथियों से विनती करें हैं कि गौशाला में अधिक से अधिक दान देकर पुण्य कमाएं। मैं देख रहा हूं कि आपकी गौशाला में गायों की संख्या तो बहुत है, ग्रांट बेहद कम है, तो ये कैसे आप कर पाते हैं, खर्चा कैसे चलता है? न्यू है जी, गाँव के जिम्मेदारा से हम गौशाला का काम चलावा हाँ, मांग मांग के, और कोई विशेष हमारे पास कोई अपना बजट तो है नहीं। नए गौशाला के पास अपनी भूमि है, जो किसानों के सहयोग से ही गौशाला का कार्य चलता है। सरकार से अनुरोध करते हैं कि कुछ गौशाला में सरकार कोई हमें टैक्स में रिबेट दे या इस टाइप की कोई भी हमें अगर मदद मिले। गौशाला का हर साल ऑडिट होता है, सारा काम इसमें 40 श्रमिक है, जिनका तनख्वाह वगैरह का, गौशाला में रसोई का और जितना भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, आमदनी बहुत कम है। इसलिए गौशाला के पास अपना साधन लोगों के सहयोग से ही हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। गौशाला में गायों की बढ़ने की काफ़ी और ज़्यादा गुंजाइश है,
और हम गायों के लिए या नस्ल सुधार का कार्य करना चाहते हैं। सरकार अगर हमारी मदद करेगी तो अच्छी नस्ल की गायें भी तैयार करेंगे और गौमूत्र आरक जो जितनी भी गौओं की कहना है से हमें कोई भी औषधि है या इस टाइप की अगर सरकार हमें मदद देगी तो हम इसको और बढ़ावा देंगे। आर्यवर्त गौ संस्थान के पदाधिकारी बताते हैं कि आसपास के गांव गुराना, बधावड़, ढाढ़, डाटा, खानपुर, राजली, घिराए, खरकड़ी, सुलखनी, मिर्जापुर, हैबतपुर व अन्य गांवों का साथ भी इस गौ संस्थान को चलाने में अपना विशेष योगदान देता है और इसी वजह से इन गांवों का विशेष महत्व भी है। इस वक्त मेरे साथ हैं गौशाला के प्रधान मास्टर करण सिंह जी। सर, गौशाला के बारे में बताएं, कितनी गायें हैं और कैसे व्यवस्था कैसे रहती है, प्रबंधन कैसे रहता है? गौशाला का सारा ही प्रोग्राम जी आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से चल रहा है। इसमें टाइम पर सीजन पर दाना फाका भी आ जाता है, तूड़ी तप्पा भी आ जाता है, जिससे बड़ी मुश्किल से काम धंधा चल रहा है गौओं का। गौओं की संख्या ज़्यादा है, लगभग 18 और 2000 के बीच में है, जिसमें लंगड़ी लूली भी हैं, अपाइज भी हैं और वृद्ध अवस्था की भी हैं और इनमें कुछ नंदी भी हैं। इनके सहयोग से ही, गांव के सहयोग से ही इनका चारा वगैरह चल रहा है। 40-45 के करीब यहाँ कर्मचारी हैं, जिनका बड़ी मुश्किल से जो है नी ऊरा परां के गांव गवांड में या किसी सज्जन के पास जाके उनकी तनख्वाह का प्रोग्राम हर महीने बड़ी मुश्किल से हम कर पा रहे हैं। मेरी ग्रामीणों से अनुरोध है कि वो थोड़ा और ज़्यादा दें और यहाँ जो है नी उसका काम चल रहा है नस्ल सुधार का, जिसमें छोटी छोटी बछियाँ भी देसी नस्ल की भी और इसकी साहीवाल की भी तैयार की जा रही है। इसके साधन संपन्नता की कमी के कारण जो है नी उसको हम पूरा नहीं उतर रहे। हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं से और सरकार से अनुरोध ही नहीं बल्कि हाथ जोड़ के पुरजोर प्रार्थना है कि वो आगे बढ़े ताकि हम भी इस गौ संस्थान का काम सुचारू रूप से चला सकें और हमारे बीच में जो आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं उसको भी दानी सज्जनों की मदद से हम दूर कर सकें और इस गौशाला को दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता की ओर, चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर कर सकें। गौ सेवा आयोग से विशेष अनुरोध है कि भाई वो हमें यहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था ज़रूर करें ताकि आस पड़ोस के जो गांव हैं उनमें दुर्घटनाग्रस्त जो पशु हैं उनको उठाने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर ट्राली वगैरह में पशु जो है नहीं, जो बीमार होते हैं, एक्सीडेंटल पोजीशन में होते हैं, उनको और भी ज़्यादा दुख होता है। अगर गौ सेवा आयोग या सरकार हमें एक एम्बुलेंस की मुहैया करवा देगी तो हम उसी आराम से और उससे बीमार पशु को भी सुख शांति पूर्वक गौशाला में जाकर उसका इलाज कर सके। अंत में फिर हमारी यही प्रार्थना है गौ सेवा आयोग से भी, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी और सरकार से भी, जिस ढंग से वो सरकार बाकी और विकास कार्य कर रही है उसी ढंग से गौशालाओं की तरफ एक सिर्फ एक कागजी नारा न देकर विशेष ध्यान दें ताकि हम भी अपने इस मुहिम में सफल हो सकें और इस बूढ़ी बडेरी गऊओं का बेचारे का दिन को हम पूरी सेवा भावना से इनकी सेवा कर सकें और इन्हें भी आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ बसर कर सकें। ये थे मास्टर करण सिंह जी, गौशाला के प्रधान हैं और उनका साफ साफ कहना है कि सरकार को चाहिए कि गौशाला की आर्थिक हालत को देखे, सुधार करे, दान करे, बजट इसके लिए निर्धारित करे। गौशाला में आने वाले आगंतुकों को बेहद आत्मिक शांति मिलती है जब वे इन गायों के बीच अपना कुछ समय गुजारते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि यहाँ गायों के बीच आकर उनकी सेवा करने वालों के कई शारीरिक दोष स्वतः ही दूर भी हो गए। आप भी अपना वक्त निकालें और इन गायों के बीच आकर उस सुखद एहसास को महसूस करें जो काफी लोग पहले भी कर चुके हैं।